अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं शोबीज नाउ। आज की इस वीडियो में मैं बात करने जा रही हूं नादिया अफगान के बारे में। ये अदाकारा कौन है, इनकी फैमिली में कौन कौन है, इनके अदाकार खावंद, आइए मुकम्मल डिटेल्स जानते हैं। तो उससे पहले अगर आप मेरे चैनल शोबीज नाउ पर नए हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन पर भी जरूर प्रेस कर दें। नादिया अफगान पाकिस्तान के शहर कराची से ताल्लुक रखती हैं और ये अदाकारा 7 सितंबर 1970 को कराची में पैदा हुई। इस वक्त इनकी उम्र 53 इयर्स हो चुकी है। इन्होंने उर्दू फिल्म्स के साथ साथ टेलीविजन फिल्म्स में भी काम किया है और थिएटर के साथ साथ इन्होंने ड्रामास में भी काम किया। ये अपनी पंजाबी एक्सेंट की वजह से बेहद पसंद की जाती हैं। ड्रामा सुनो चंदा में इन्होंने एक पंजाबी माँ का रोल अदा किया था और एक पंजाबी सास का भी, जिन्हें फैंस ने पसंद भी किया। उसके बाद ये अदाकारा अकाला डोरिया में भी उसी रूप में नजर आईं और उसके बाद ड्रामा तेरे इश्क के नाम, परिजात और काबरी पुलाव में भी नजर आईं, जहां इनकी एक्टिंग को बेहद पसंद किया जाता है। ये बहुत कम प्रोजेक्ट्स में काम करती हैं, लेकिन जिस प्रोजेक्ट में भी काम करती हैं उसमें जान ही डाल देती हैं। बात करते हैं इनकी मूवीज की, तो ये अदाकारा मंटो, मेरा दिल मेरी मर्जी, डार्लिंग, सर्कस ऑफ लाइफ और बेहद में काम कर चुकी हैं, जहां इनकी एक्टिंग को पसंद किया गया। बात करते हैं अब इनकी फैमिली के बारे में। व्यूअर्स, इनके वालिद एक बिजनेसमैन जबकि इनकी वालिदा हाउस वाइफ थी और इनके बहन भाइयों में कोई भी शोबिज इंडस्ट्री से ताल्लुक नहीं रखता। और व्यूअर्स इसके साथ साथ बात करते चले इनके मैरिटल स्टेटस के बारे में, तो इनकी शादी जोड़ी पाई के साथ हुई। इनके हस्बैंड भी एज अ एक्टर और डायरेक्टर काम करते रहे। बात करते हैं इनके बच्चों के बारे में, तो व्यूअर्स इनको काफ़ी डिप्रेशन रहता है, इस बात का इंकशाफ ये कई शोज में कर चुकी हैं। जैसे ये आपको स्क्रीन पर हंसी मुस्कुराती नजर आती हैं, लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेरने वाली ये अदाकारा खुद काफ़ी ज़्यादा जो है मसाइल का शिकार रहती हैं। और इन्हें फैंस जो हैं इस बात का जब सवाल करते हैं कि आपकी औलाद नहीं है, तो इन्होंने बताया कि ये काफ़ी डिप्रेशन का शिकार रहती हैं, ये एक जिंदा जान यानी कि औलाद की जिम्मेदारी नहीं उठा सकती, इसलिए इन्होंने औलाद पैदा ही नहीं की। इसी तरह व्यूअर्स बात करते हैं इनके कैरियर के बारे में। मैंने यूँ तो आपको इनके बहुत से ड्रामास बताए, लेकिन इन्होंने 1990 में ही शोबिज़ को ज्वाइन किया था। पीटीवी सिटकॉम सच एज फैमिली फ्रंट में इन्होंने काम किया था और ये अदाकारा लीड रोल में भी नजर आती रही, जबकि अब आपको ये सपोर्टिंग रोल में एज अ सीनियर आर्टिस्ट नजर आती हैं। बात करते हैं इनकी तालीमी काबिलियत की, तो इन्होंने फिल्म मेकिंग में बैचलर्स किया है और ना सिर्फ एज अ एक्टर काम करती हैं बल्कि एज अ डायरेक्टर भी काम कर रही हैं। बात करते हैं इनकी फिजिकल अपीयरेंस के बारे में, तो इनकी हाइट 5'3", इनका हेयर और आई कलर ब्राउन, इनकी कम्प्लेक्शन फेयर है, इनका फेवरेट कलर ब्लैक, इनकी फेवरेट डेस्टिनेशन पाकिस्तान, इनकी हॉबी शॉपिंग करना, ट्रैवल करना है। तो ये खूबसूरत सी अदाकारा नादिया अफगान आपको कैसी लगती हैं, इनका कौन सा ड्रामा आपका फेवरेट है, कमेंट्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा और मजीद अपडेट्स के लिए मेरे चैनल शोबीज नाउ को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह निगेबान।